रहमान रहीम वीडियो पे यूट्यूब पे आपको खुशे दूँ मेरे प्यारे भाइयों मेरे नौजवान साथियों मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे बच्चों आप सबको आज योम पाकिस्तान मुबारक हो आज के दिन लाखों लोगों ने ये किया था और उसके पीछे करोड़ों आदमी मौजूद थे कि हमने अपने लिए एक रहने के लिए जगह चाहिए एक वतन चाहिए और करारदादे लाहौर पेश की गई और उसके अंदर सारे लोग मौजूद थे बंगाल से आए हुए लीडरान भी मौजूद थे तो मौलवी साहब ने एक करारदाद पेश की और बाद में इसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा गया और उसी जगह पे जहां आज मीनार पाकिस्तान बनाया गया है तो ये थोड़ा सा छोटा सा वाक़ नहीं था ये एक हजारों साल से हम रह रहे थे हिंदू के साथ तो कुछ लोग तो उनके साथ रह के भी खुश थे ठीक थे जो बड़े लोग थे जिनके अंदर सकत थी रहने की वो कहते थे हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता हिंदू जो हैं वो हमारे मातायत भी हैं हम हुत भी इकट्ठी बना रहे हैं और इसको ज़रूरत नहीं है ये फैसला करने की इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो ख़्वाहिश का आज़ार था वो बंगालियों के तरफ से था इस तक तो पहुँचाने तक उन्होंने अपना ख़ून दिया उन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्होंने अपने घर छोड़ दिए कलकत्ता जैसा शहर छोड़ दिया जहाँ का मौल तो वहाँ वजीर भी पहले रह चुके थे फिर सोरवर्दी साहब भी मुतहदा बंगाल के वजीर अजम रह चुके थे ख्वाजा नाजमुद्दीन भी तो जो उन्होंने कहा कि हम सब को छोड़ देते हैं हम ये ढाका के अंदर बैठ के मुस्लिम लीग बनाई थी और आज वो हम वो ऐद करते हैं कि हमने पा, पाकिस्तान आ, बनाना है या एक मुल्क बनाना है और सिर्फ छः सात साल की जद्दोजहद की गई उसके अंदर क़्यादत सिर्फ़ और सिर्फ क़ायद अजम की थी सब ने उन पर एतम किया और उनके पीछे चल पड़े और क़ैद अजम का जो आजम था जो हौसला था जो हिम्मत थी वो उस मीनार पाकिस्तान के से निकल के पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने उनकी इस आवाज़ पर लैक कहा और पाकिस्तान बन गया लेकिन इस दौरान ये भी सही है कि उन्नीस सौ छियालीस में भी जब यहाँ असलाहत आ रही थी तो कैद अजम ऑप्शन दी गई और हिंदुओं को कि पाकिस्तान अभी ना बनाएं, तीन हिस्से में हिंदुस्तान को इंतजामी तौर पर बना दिया जाए दस साल हम इकट्ठे रहें और फिर उसके बाद वो अपना मिल के फैसला करें कि हम इकट्ठे रह सकते हैं या अब मजीद हमें अलग रहना चाहिए तो उसमें ये कायदाजम की बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबे से भी पीछे आ गए लेकिन हिंदू जो है वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सका उन्होंने इसके इन असलाहत को इजाज़त नहीं दी और गांधी और नेहरू और कांग्रेस ने इन तमाम मिट्टो मार्ले जो भी असलाहत थी उनको उन्होंने रद्द कर दिया अब पाकिस्तान जो है मुसलमानों का आलम था इरादा था और हिंदू जो है वो उसके रस्ते में मज़ाहम हो रहा था कि नहीं आप पाकिस्तान भी ना बनाएं और हमारे हाँ बैठ के ग़ुलामी करें आने वाले सालों में आप अगर हज़ार साल आपने हुकुमत किए हैं तो इतनी जल्दी आप पीछे क्यों भाग रहे हैं जमहूत है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे कहरेदार कहा जनाब ये जमूरीत कैसी है जिसका पहले ही फैसला हो चुका है कि अक्सरियत में हिंदू हैं जो असम्बलियाँ होंगी उसमें भी सारे हिंदू अक्सरीत में होंगे हम तो अकलीत हो गए या फिर हमें वो सहूलतें जो अमेरिका में उन्होंने दी हैं अकलीतों को या वो तमाम चीज़ें हमें तहफात जो हैं हमारे उनको तस्लीम कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान का इतना शिद्दत के साथ आम आदमी का मतालबा था लीडरशिप उस वक्त भी कोशिश कर रहे थी कि एक कोई रास्ता अख्तियार कर लें या दूसरा अख्तियार कर लें हम इतनी जल्दी अलग ना हो लेकिन वो हिंदू ने समझा कि इनको जितनी जल्दी दे दो दे, दे दोगे और ये आ, जो रियासत है ये नाकाम हो जाएगी हम इनको चलने नहीं देंगे तो उन सब ने यही कहा कि तुम वापस आओगे हमसे अपने इलाकों की तरक्की के लिए फ़ंड मांगने के लिए आओगे तुम दिल्ली की तरफ आओगे बना लो पाकिस्तान फिर तुमने दस साल के अंदर अंदर हमारे अंदर मार अपने मर्ज तो हो जाना है तो ये इस इस कैफियत में मुसलमानों ने फिर कहा कि नहीं हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे हमें घर चाहिए और वो कटा फटा पाकिस्तान मिल गया कैद अजम तो कह रहे थे कि ये यूनाइटेड पंजाब भी होना चाहिए वो कह रहे थे कि कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो कह रहे थे कि यू पी तक भी बल्कि आग, आगे आगे जा के तो बंगाल से से मिल जाता था ये ये ख्वाब था कैद आजम का भी ख्वाब था याकबाल का भी खरा खब था वो तभी हो सकती थी लेकिन अंग्रेज़ और हिंदू ने मिलकर उस पाकिस्तान को नहीं बने दिया एक कटा फटा पाकिस्तान मिल गया उन्होंने मुसलमानों ने कहा शुक्र है हमें रहने का घर तो मिल जाएगा और वो उनको फिर अपने अपने बॉर्डर से एक बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई तारीख की अगरचे कोई उसको आ, 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 नहीं कह सकता कि इतनी माइग्रेशन होनी चाहिए थी कहते आदम ने उसके लिए भी कोशिश की सिख लीडरशिप को कहा कि आप हमारे साथ रह जाएं आपको तमाम जो जो आपके मुतालबात हैं असम्बली के अंदर वो जो आपकी जितनी आपकी तदाता तादाद है उससे बढ़कर आपको नुमाइंदगी दी जाएगी और हम और आप इकट्ठे रहेंगे और भाई मेरी बात सुन लो कि तुम एक दिन जब आएगा क्या आप हिंदू से जितना तुम्हें वो तंग करेगा जितना तुम्हें गुलाम रखेगा हम तो निकल रहे हैं तो हम उस वक्त रहोगे कि काश हम पाकिस्तान के साथ जाने का फ़ैसला करते और आज ये बातें भी जो आपका मशरक़ी पंजाब है उसके अंदर चल रही हैं मशरकी पंजाब बाहर ने बार बार कहते हैं कि हिंदू हमें हालांकि उनका कुछ न कुछ अकैद की गुरबत भी थी लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं हम इतनी दवा उनको उन्होंने उनको मारा है इतनी दवा उनसे हकूक छीन लिए हैं उनकी शहरीत जो सिखों की है वो बिल्कुल दो नंबर के शहरी बन के रह गए हैं तो वो लोग वहाँ पे उनके अपनी हिंदू मुख्तलि रियासतों में आज़ादी मांग रहे हैं तो वो हमारे मामलों के अंदर टांग उड़ाता रहता है हटाना चाहिए थी बड़ा मुल्क था उसने कहा हमारा हिस्सा टूट अलग गया है वो पाकिस्तान का वजूद एक दिन के लिए भी बर्दाश्त इंडिया नहीं कर सकता था ना उसने किया तो अब उसने तो नहीं करना था जो हमारे अपने वाले थे उन्होंने उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा थी सबसे ज़्यादा जो बंगाली थे मशरक़ी पाकिस्तान था उनके हकूक़ को हमने लूट लिया खा लिया ये उनका खून चूस लिया एक भी वहाँ पे हमने एक वहाँ पे कोई जो मिल है जो वहाँ पे तरक्की के अदारे हैं एक भी कायम नहीं किया जो दो तीन बनाए उसके मालकान भी मगर म, कराची के थे या मगर भी पाकिस्तान के थे उनको तो हमने अलग कर दिया उनकी पटसन भी हम खा रहे थे उनकी हर चीज़ के ऊपर हम आ, फौज हमने पाली यह पैसे उनसे मांग रहे हैं जब उनको दिफा का वक्त आया तो हमने हाथ खड़े कर दिए तो इस तरीके से हमने उनको धक्के दे दे के निकाला है और आज वो मौलवी फजल की करारदादा को वो कहते हैं कि वो तो करारदाद लाहौर थी यही क्या हम रियासतें अलग होंगी और पाकिस्तान जो मौजूद है ये भी नेशनलिटीज के ऊपर बना हुआ है इसको भी अलग अलग हो जाना चाहिए तो इन हालात में मेरे बच्चों हम आ, बैठे हुए हैं हमारे जो आर्गन बड़े हो गए हैं हमारे वजूद से बड़े हो गए हैं ना यानी अफज पाकिस्तान हमारी ज़रूरत थी हम इंडिया को डराने के लिए भी क्या हम मुकाबला कर सकते हैं अपने वजूद के मुताबिक फ़ौज नहीं बनाई हमने इंडिया जो हमसे पाँच गुना बड़ा है हमने उसके वजूद का मुकाबला करने के लिए फौज बनाई है और हमने अपने फ़ौज को हर वक्त लूट मारे प्यार किया अपने तन बदन के कपड़े दे दिए ताकि उनको वेपन्स मिलें उनको आ, वो जाके हमारे मुल्क का दफा करेंगे बदकिस्मती यो है सबसे बड़ा फिलियो ये वो है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान पाँच पाँच दवा लड़ाई छेड़ी इन्होंने इंडिया के साथ और चार चारों पांचों जंगें हार गए हैं वो तारीख़ का हिस्सा है आज खुशी के दिन मैं वो दुखों की बात कर रहा हूँ सारी जंगें ये हार गए जो सबसे इन्वेस्टमेंट जिस पे हमने की थी वो ही पट्ठा बैठ गया लेकिन इतनी बड़ी फौज थी उन्होंने कहा कि उन इंडिया को तो हम फसल फतह नहीं कर सकते गर, 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 हम बंगालियों के ऊपर हुकूमत करेंगे उन्होंने कहा जी अब आप जाएं अलग हो गए अब हमारे ऊपर भी उनकी हुकूमत है हम कौम जो है वसैल के हिसाब से इतनी बड़ी अफवाज के साथ हम जो सिविलियन हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है फिर उनके जो पार्टियाँ बनती हैं सियासत जो होती है ये छोटी सी है पाकिस्तान में जमहूरीत की बातें भी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा घर का मालिक है वो फैसला करता है इतनी इनको खुराक दे दो इतनी जमहूत दे दो इतनी चीज़ें कर दो तो इसलिए आज के दिन उस बड़े आर्गन को पाकिस्तान के साइज़ के मुताबिक बनाना पड़ेगा और दूसरे शूबों में मदाखलत भी हमें नहीं करनी होगी फिर जाके पाकिस्तान जो है बैलेंस आता जाएगा वरना ये मैं मैम मैं तो शुरू से कह रहा हूँ देखिए मैंने आज से 40 साल पहले असम्बली के अंदर जियालख साहब राहदारियों के अंदर बैठे थे उनके सामने मैंने कहा था द टाइम हैज़ कम मिस्टर स्पीकर दैट वी शुड से मिस्टर मार्शल लॉ अटेंशन अबाउट टर्न क्विक मार्च गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन ये मैं चालीस साल पूरे चालीस साल पहले ये मेरी ब्रेडन स्पीच है जो जाती आदमी करता है उसको बेडन स्पीच कहते हैं वो पार्लियामेंटेरियन का असासा भी होती है लेकिन वो गलतियों का मरखा भी होती है लेकिन क्या मैं गलत कह रहा था मैं कह रहा था चाहे मैं मेरी आवाज़ वो, वो आवाज़ मैंने बदली नहीं है आज फिर कहता हूँ कि मिस्टर द टाइम हैज कम मिस्टर स्पीकर दैट वी शुड से मिस्टर मार्शल लॉ अटेंशन अबाउट टर्न क्विक मार्च गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन ये बातें मजबूरी है मेरी ये कहना ये ये मेरी 20 साल पहले किताब छपी है 20 साल और हो गए तो वो जब मैं 20 साल की पूरी हिस्ट्री लिख रहा था उसमें यही था कि अगर हमारी अफवाज पीछे हट जाती तो मशरकी पाकिस्तान अलग ना होता हम एक बहुत बड़ा साइजेबल कंट्री होते पहले इंडिया ने हमें कटा फटा पाकिस्तान दिया फिर हमने उसको काट फाट के अलग कर दिया हमारे तमाम सियाचियर कभी कोई कभी कोई ये सारा कुछ हमारी फ़ौज ने किया है शर्मिंदा भी किया है हमें और सैल भी चले गए फिर आपको ज़रूरत पड़ी आइटम बम बना के दे दिया ताकि आप तक चीज़ों में बड़े बहादुर और वेपन्स वाले हों जहाज़ ले लिए चीज़ें ले ली लेकिन आया कल जंग चढ़ जाए आप इंडिया को दिल्ली को फतह कर सकते हैं आप तो दिल्ली को क्या आप ईरान को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं आप अफ़गानिस्तान को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं ये जो जंग रही है अब ये कभी भाजपा को कह बुला रहे हैं कि वो आके कहेगा कि जनाब ये पॉलिसी वह इमरान खान की थी इमरान खान ने कहा कि जनाब उनको तस्लीम करो उनके ये करो भई ये पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हमेशा पाकिस्तान की अफवाज के पास रही है जरूरत भी नहीं है कि कोई बात कर सके आज की हुकूमत में भी देख लें तो इसलिए आप इन बातों को खुद नहीं निकाल रहे सकते आप उस पाकिस्तान के वारिस जो टूट गया है आपकी हरकतों की, की वजह से पाकिस्तान के अवाम की हरकतों की वजह से नहीं हमने तो वसाइल दिए हम तो मारे गए फिर आप आके हमारे हर इलेक्शन को तबाह कर देते हैं अच्छी तरह इलेक्शन कराते हैं फिर वोट गिनने पे आप देखें ये इमरान खान को कौन लाया था आप ही लेके आए थे मैंने इमरान को कहा इमरान खान को कहा था आप इनके साथ ना जाएं, आपको जेल में बिठा देंगे इकतदार मिल जाएगा आपको मैंने अभी भी बेनज़ीर को कहा था कि बीबी इनसे से इकतदार न लो आप अपनी उसी मिसाख के जमुरियत पर खड़ी रहें उन्होंने कहा कि ये कौड़ी जो दवाई मुझे पीनी पड़ेगी मैंने कहा बीबी ये कौड़ी दवाई नहीं है ये है जह, जहरीली दवाई है तो वो आप इससे मर जाएगी मैं तो बातें उनको दो दो साल दस दस साल चालीस चालीस साल पहले से बताता आया हूँ यही मेरी ज़िंदगी है यही मेरे वतन के लिए बातें हैं ये मैं करता रहूँगा अल्लाह ताला आपको ये ट्वेंटी थर्ड का मार्च का दिन है अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम बैम रखे हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला हिम्मत दे कि वो पीछे हट जाएं कोई मोर्चा छोड़ दें इस मोर्चे पे तो हम आप आपके मुकाबले पे हैं ही नहीं हमें तो फूकों से उड़ा देंगे खुदा के लिए खुद पीछे हटें नटें तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपके ऊपर इतने बड़े साल्ट होंगे इतने ज़्यादा हमले होंगे बैरून मुल्कों से भी मुल्क के अंदर से भी खुदा के लिए इस वर्दी की इज्जत और वक़ार को बरकरार करने काहद करें ये तजदीद अहद कर दिन है आप और हम मिलके कहेंगे कि हम यूनिफार्म तो पाकिस्तान की फौजों की यूनिफार्म है उसकी बेहदी के लिए उसकी इज़्ज़त के लिए पाकिस्तान पर सरबरंद करने के लिए आज फिर तजी ऐद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस मुल्क को रात दिन रात चौगुनी ताकत फरमाएँ बहुत मेहरबानी